करेंगे भाई साहब एकदम मूवी का रिव्यू। से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि उद्धम मूवी का ट्रेलर और टीजर आया था, तब से स्टोरी में खास हमें पता चल जाता था कि इस स्टोरी में हमें एक विमान हाईजेक होगा और इसके अराउंड स्टोरी घूमेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मूवी देखोगे तो उससे डिफरेंट काफी सारा मसाला आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली स्टोरी जिस तरह से बिल्ड की गई है पहले हाफ में और दूसरे हाफ में, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। पहला हाफ थोड़ा स्लो लगेगा लेकिन दूसरे हाफ में मूवी आके एकदम पिकअप पकड़ लेती है और ऑडियंस को खींच लेती है मूवी के अंदर। स्पेशली सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशिक खन्ना की केमिस्ट्री बवाल लग रही है। इवन दिशा पाटनी का जो एयर होस्टेस वाला रोल है वो भी एक इम्पैक्टफुल साबित हुआ है। मूवी की सबसे बढ़िया बात लगी मूवी में जिस तरह से एक्शन सीन शूट की गए है, कुछ नया ट्राई किया है मेकर्स ने और उसमें सक्सेस भी हुए है। काफी कुछ नया हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा एक्शन के मामले में। और एक स्पेशल चीज मुझे इस मूवी की लगी, सबसे लाजवाब अभी कोई चीज लगी हो इस मूवी में तो इस मूवी का बीजीएम। जिस तरह का बीजीएम हमें टीजर ट्रेलर में देखा, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा बीजीएम हमें मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी में मेकर्स ने बीजीएम पे बहुत ही अच्छा वर्क किया है और जिस तरह का बीजीएम जिस सिचुएशन में चाहिए ऐसा हमको मिलेगा। बात करते डायरेक्शन का, तो शेरशाह वाले मेकर्स ने फिर से हमें एक मास्टरपीस मूवी दे दी है। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है, जैसे कि शेरशाह मूवी में हमें देखने को मिला था। इनके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी, राशि खन्ना और विलन का रोल भी बहुत ही बढ़िया लगता है हमें इस मूवी में। और स्टोरी एक टेररिस्ट अटेम्प पे घूमती है और किस तरह से स्क्रव्यू में से सिद्धार्थ मल्होत्रा सबको बाहर निकालते हैं, बेसिकली वही मैन दिखाया गया है इस मूवी में। लेकिन इनके अलावा मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करें तो मूवी के सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी हाई लेवल की है, VFX ठीक ठाक है, ओवरऑल मूवी एक